हेलो दोस्तों सो so, आप सभी को इस सेशन का बेसब्री से इंतज़ार होगा जिन स्टूडेंट्स को नहीं भी होगा वो भी एटलीस्ट ये तो देखने ज़रूर आए होंगे कि इस सेशन में ऐसा क्या खास है एंड दिस सेशन इज़ लिटरली अ स्पेशल सेशन एंड व्हेन आई से इट आई मीन इट कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सेशन होने वाला है बिकॉज एक पेपर टू के रिगार्डिंग हम इसमें बात करेंगे और काफ़ी सारी हम नई चीज़ों के बारे में इसमें बात कर रहे होंगे तो इस कारण से ये सेशन काफ़ी ज़्यादा ही आप सभी के लिए यूज़फुल होगा अगर मैं सी ए पी एफ में अगर बात करता हूँ पेपर टू की तो आप सभी को पता होगा कि आई क्लियर दिस एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन और उसके बाद लाइक like, मैंने पेपर वन पेपर टू इन सभी के रिगार्डिंग स्ट्रैटी बनाना स्टार्ट की और आप देखेंगे कि अगर कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल द थीम वाइज कॉन्सेप्ट हो गई आपकी थीम वाइज या ब्रेन वाली तो ये कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल्ड में अगर बात की जाए यूट्यूब पे तो वो हमने लाइक like. पहले आपको सबसे पहले जो है चीजें बताई थी ब्रेन स्ट्रॉमिंग किस प्रकार से की जाती है किस तरह से फिल किया जाता है किस तरह से गैप्स को फिल करना है किस तरह से सोचना है पैरा वाइज या थीम वाइज भी हम तैयारी कर सकते हैं थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से क्वेश्चंस करना आसान हो जाता है बिकॉज उससे पहले लाइक like, ट्वेंटी में मैंने भी प्रिपरेशन की थी और लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट था वो मेरा जो क्लियर नहीं हो पाया था तो उस टाइम पर लाइक इस तरह का कॉन्सेप्ट था कि फिफ्टी सिक्सटी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स उनका डिस्कशन हो गया या उनसे रिलेटेड कॉन्टेंट प्रोवाइड हो गया एंड दैट सेट बट बैटर इन 2021 आई रियलाइज दैट नहीं थीम वाइज अगर हम तैयारी करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तैयारी हो सकती है अगर हम क्योंकि सारे टॉपिक्स हम पहले से प्रिडिक्ट करके नहीं जा सकते तो अगर हम ब्रेन स्ट्रामिंग काम करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है इस कारण से ट्वेंटी में वैन आई क्लियर दिस एग्जामिनेशन आई ब्रॉड दिस कॉन्सेप्ट थोड़ा फ्लॉरिस इसे किया उसके बाद तो अभी तो आप देखेंगे कि लाइक थीम वाइज और ब्रेन चीज़ें की जाती हैं बट ठीक है फिर भी इसे हटाते हैं आज इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कुछ कुछ चीज़ें होंगी उसमें बहुत ज़्यादा यूनिक है लाइक like, पहली बार हम वो चीज़ कॉन्सेप्ट जो है पेपर टू के लिए ले लेके आ रहे हैं और मैं ये चीज़ जानता हूँ और बता भी रहा हूँ आप सभी को कि वन मंथ बाद आप देखेंगे इसी वीडियो में ऑन रिकॉर्ड कि वन मंथ बाद हर इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट जो अच्छा काम कर रहे हैं पेपर टू के लिए वो आपको देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे बिकॉज दिस इज़ द रियल वे टू प्रिपेयर फॉर द पेपर टू एग्जामिनेशन और ऐसा नहीं है इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए अच्छी चीज़ कि करना चाहिए क्योंकि अगर कोई कॉन्सेप्ट है लाइक कोई इंस्टीट्यूट दूसरे भी अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अगर हम उससे इंस्परेशन लेके उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर हम बात करते हैं पेपर टू की बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी की स्पेसिफिकली बिगनर्स को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के तो वो इसी प्रकार से तैयारी की जा सकती है तो उसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें बहुत ही अच्छे से देखेंगे बिकॉज इसमें ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग जानते हो कि ट्वेंटी में मैंने पहली बार सी एग्जामिनेशन क्लियर की थी और उस टाइम पर लाइक टू अराउंड सिक्स टू सेवन मंथ जो है इसके लिए काफ़ी अच्छे से कॉम्प्रीहेंसिवली प्रिपेयर की थी उसके बाद 2022 हो या 2023 हो उसके लिए उतनी ज़्यादा कोई खास तैयारी नहीं की थी लास्ट लाइक like 15 डेज़ में या वन मंथ में थोड़ा बहुत देख लिया थोड़ी बहुत चीज़ें रिवाइज कर ली दैट्स एट ऐसा नहीं है कि पूरे लगे हुए थे तो फिर भी आई वॉज एबल टू क्लियर दिस टू अटैम्प्ट ऑल्सो तो इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि पेपर टू की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनपे काम करने की ज़रूरत है आप सभी को भी अगर उन उनपे अगर आप काम कर लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही चीज़ें आसान हो जाती हैं तो इस कारण से मैं बता रहा हूँ कि ये सेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और वैसे भी तो इस कारण से ये ज़्यादा बड़ी मैं सेशन नहीं बनाऊंगा आपको ही पता है कि मैं बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता हूँ ये नहीं कि आपका टाइम पास करता हूँ मैं तो फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स हार्डली का सेशन होगा ये और इसमें बहुत ही अच्छे से आराम से चीज़ों को आपको बता दूंगा ठीक है तो जो भी स्टूडेंट हैं वो चीज़ों को इस तरह से कर सकते हैं ठीक है सो so, अगर हम बात करते हैं मैं एक मिनट में आपको क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट बिगनर हो तो मैं जल्दी जल्दी आपको एक मिनट में चीज़ें बता देता हूं कि सी ए पी एफ एस को अगर हम देखते हैं तो इसमें पेपर वन है जो कि आपका 250 मार्क्स का होता है पेपर टू हमारा 200 मार्क्स का होता है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं एस से आर्गूमेंट रिपोर्ट कॉम्प्रीहशन प्री से एंड ग्रामर होती है लेकिन इसमें जो सबसे खास बात हो जाती है कि पेपर टू इज़ अ स्किल्ड बेस्ड पेपर क्योंकि इसमें एक राइटिंग स्किल है और उसे डेवलप करने में टाइम लगता है यानी कि एक स्किल जो होती है उसे डेवलप करने में टाइम लगती है फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर वन है तो पेपर वन में अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में बोलता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ लीजिए और शाम में उसे रिलेटेड टेन टू ट्वेंटी क्वेश्चन देता हूँ तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं लेकिन अगर मैं एक टॉपिक पेपर टू का आपको इंसर्जेंसी सुबह पढ़ा भी देता हूँ या फिर उससे रिलेटेड कॉन्टेंट भी दे देता हूँ या आप कॉन्टेंट पढ़ लेते हैं और उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ कि एक इंसर्जेंसी पर आप एक ऐसे लिखें तो वो आप नहीं लिख पाते तो उसके पीछे रीजन ये है कि कंटेंट होना अलग बात है लिखना अलग बात हो जाती है क्योंकि ये एक राइटिंग स्किल है और वो स्किल पे हमें काम करने की ज़रूरत है अब हम बात कर लेते हैं पेपर टू की तो देखिए अगर हम पेपर टू की बात करते हैं तो पेपर टू में तीन एस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है पहला है कॉन्टेंट दूसरा हमारा हो जाता है ब्रेन और तीसरा हमारा हो जाता है प्रैक्टिस यानी अगर आप इन तीन एस्पेक्ट पर काम कर लेते हैं सबसे पहले कंटेंट फिर ब्रेन और फिर प्रैक्टिस तो आपके लिए पेपर टू फिर चैलेंज नहीं रह जाता ठीक है इस पर यह है कि हर एक एक एस्पेक्ट पे काम करने की जरूरत है नो डाउट कंटेंट इज़ द बेस बट ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 2024 में ही एक क्वेश्चन आया सपोज दैट आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो आपको कंटेंट पता होना चाहिए यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रिगार्डिंग चीजें जो हैं वो पता होनी चाहिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड वाइड कितनी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये सारी चीजें और थोड़ी बहुत आपको लाइक like, फैक्ट या वैल्यू एडिशन मटेरियल पता होनी चाहिए कि इसे हम लंग्स ऑफ दी वर्ल्ड कहते हैं इस तरह से रेन फॉरेस्ट तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए तो यानी कि सबसे पहले तो आपको कॉन्टेंट चाहिए बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता क्या है उसके लिए क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होती है कितनी रेनफॉल चाहिए कहां पर होता है तो आप क्या ऐसे लिखेंगे तो इसलिए नो डाउट कॉन्टेंट चाहिए बट हो सकता है कि आपको यह चीज पता हो बट अगर हमें हमें उसे पेपर पेपर पे लाना है, पेपर पे लाना है है तो उसके लिए हमें brainstorming आनी चाहिए यानी कि हमें एक फ्लो में क्योंकि एक ऐसे जो है वो फ्लो में लिखा जाता है इंट्रो बॉडी बॉडी में चार पैरा पैरा वन टू थ्री फोर तो उसके लिए हमें ब्रेन की जरूरत पड़ती है और फिर ब्रेन के बाद एक प्रैक्टिस क्योंकि हमें टाइमली भी आंसर लिखना है हमें एक ऐसे को 17 टू 18 मिनट्स में लिखना है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए तो आप देखेंगे कि कोई भी एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है आर्गूमेंट आ जाए रिपोर्ट आ जाए राइटिंग वाली की मैं बात कर रहा हूँ तो उसके लिए तीनों की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कॉन्टेंट इज़ दी बेस कॉन्टेंट तो चाहिए ही चाहिए लेकिन कंटेंट से सिर्फ काम नहीं चलेगा क्योंकि कंटेंट के बाद चाहिए आपको ब्रेन हो सकता है आपके पास कंटेंट हो बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया होगा 2024 का उनको पता होगा कि उनके पास कंटेंट भी है लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेन की वजह से अगर उन उन्होंने ज़्यादा ब्रेन नहीं कर रखी तो उस कारण से कंटेंट वो लिख नहीं पाते होंगे तो ब्रेन और उसके बाद बहुत लोग आंसर तो लिख पाते होंगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता होगा तो वो आपकी प्रैक्टिस जाती है तो यानी ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जहाँ पर आपको पहले कॉन्टेंट पर फिर ब्रेन स्ट्रामिंग पे और फिर प्रैक्टिस पर काम करना होगा अगर हम कॉन्टेंट की बात करते हैं तो तीन चार एस्पेक्ट हैं जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है पहला हो जाता है आपका पी वाई क्यूज़ पी वाई क्यूज़ से आपको चीज़ें पता चल जाती हैं मैंने लास्ट सेशन ये बताया था कि पी वाई क्यूज़ आर दी गाइडिंग लाइट तो आपको पता चल जाता है कि किस थीम पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है किस थीम पर कम काम करने की ज़रूरत है उसके बाद आपको क्या करना है थीम वाइज़ जो है वो नोट्स प्रिपेयर करने हैं यानी कि थीम वाइज़ नोट्स प्रिपेयर करने हैं और उसके बाद आपको करेंट इशूज़ से भी रिगार्डिंग कॉन्टेंट प्रिपेयर करना है बिकॉज जो क्वेश्चन हैं वो आपके करेंट इश्यूज पे भी आएंगे और उसके बाद आपको चाहिए वैल्यू एडिशन नोट्स वैल्यू एडिशन नोट्स क्या होते हैं ये आपको प्रिपेयर करने जैसे कि आपको अगर मार्क्स को इन्हेंस करना है यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें कोर्ट्स डाल सकते हैं कि स्टडीज डाल सकते हैं नोटेबल एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं सक्सेसफुल मॉडल्स डाल सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आप डालते हैं तो प्लस वन प्लस टू इस तरह से आपको मार्क्स में इन्समेंट देखने के लिए मिलती है नॉर्मल आप ऐसे लिखेंगे तो हो सकता है आठ नौ मार्क्स मिले आप इस तरह की वैल्यू एडिशन करते हैं तो इलेवन टू ट्वेल्व मार्क्स मिल जाते हैं सो so, ये हमारी हो गई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि इस प्रकार से हमें करना चाहिए अगर हम 2024 का ही पेपर को देख लेते हैं तो 2024 के पेपर में आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि कंटेंट नो डाउट इम्पॉर्टेंट है बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नॉलेज मैनेजमेंट यानी कि देखिए नॉलेज आपके पास होगा अब फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या एक क्वेश्चन था कुलीनियल रजिस्टेंस ट्राइबल रजिस्टेंस अगेंस्ट द कुलीनियल रूल तो ये वाला भी एक क्वेश्चन था अब ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं अगर हम एक ट्रेडिशनल टॉपिक की बात करें तो आपका हो गया डिजिटल इकोनॉमी। तो क्या आप डिजिटल इकनॉमी भी प्रिपेयर करके जाएंगे या नहीं इस तरह के टॉपिक्स आप प्रिपेयर करके जाते हैं लेकिन क्या आप उसे पेपर टू के लिए प्रिपेयर करते हैं द आंसर इज नो आप पेपर टू के लिए उसे प्रिपेयर नहीं करते फॉर एग्जांपल ये प्रिपेयर करते हैं आप पेपर टू के लिए लेकिन जोग्राफी के मॉडर्न हिस्ट्री के या पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं या आपके पास और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज होगी जो आप लाइक न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो यानी नॉलेज तो है लेकिन नॉलेज को आपको पेपर पर पे लाना है यानी कि नॉलेज को मैनेज करना आना चाहिए कि हाँ हम किस प्रकार से हमारे पास जो लिमिटेड नॉलेज है उसको हम एस में आर्गूमेंट में रिपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर आपको काम करने की जरूरत है यानी नॉलेज मैनेजमेंट पे आपको काम करना पड़ेगा अब बात कर लेते हैं कि इसकी सल्यूशन देखिए ये तो एक सल्यूशन तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप इस पर खुद भी काम कर सकते हैं यानी आप सेल्फ स्टडी के थ्रू चीजें जो हैं वो कर सकते हैं यानी खुद से आप पी प्रिपेयर कर सकते हैं पी तो हम बुकलेट प्रोवाइड भी करते हैं तो पी वाई क्यूज आप कर सकते हैं फिर थीम वाइज कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बाद आप अपनी ब्रेन और प्रैक्टिस कर सकते हैं बट अगर आप बात करते हैं एक सोल्यूशन जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो एक सोल्यूशन होगा आपके लिए हम एक पेपर टू का बहुत ही शानदार सा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि ये प्रोग्राम अपने आप में एक यूनिक प्रोग्राम होने वाला है इसमें कुछ एस्पेक्ट हम ऐसे लेके आ रहे हैं जो अभी तक नहीं कोई भी इंस्टीट्यूट आपको करवाते हैं। अगर हम जनरली बात करते हैं तो पेपर टू के लिए यूजली कहीं पे भी आप देख लें क्या होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अप्रोच क्लासेस मिल जाती हैं अप्रोच क्लासेस का मतलब होता है कि फॉर्मेट क्या होगा ऐसे लिखते किस प्रकार से आर्गूमेंट लिखते किस प्रकार से ये आपको मिल जाती है उसके बाद वो फिफ्टी टू सिक्सटी आपके साथ टॉपिक का डिस्कशन करते हैं और हो सकता है कि कुछ प्रोग्राम्स में इवेल्यूशन इंक्लूडेड होता है तो आपको कुछ आंसर्स लिखने के लिए मिलता है और उसके बाद वो प्रोग्राम एंड हो जाती है तो ये प्रोग्राम का अभी तक का स्ट्रक्चर है आपने अगर देखा हो तो ये स्ट्रक्चर है और इसके लिए भी फी जो है वो फाइव के सिक्स के अप्रॉक्स इतनी चार्ज कर ली जाती है ठीक है ये चीज़ है मैं आपको इसलिए फ़ी बता रहा हूँ क्योंकि अफोर्डेबिलिटी भी एक एंगल होता है और क्वालिटी भी एंगल होता है आप भी जानते होंगे इससे ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं प्रोवाइड की जाती हैं आपको अप्रोच क्लासेस उसके बाद 50 टू 60 टॉपिक या कोई 70 टॉपिक्स करवा देता है उसके रिगार्डिंग डिस्कशंस और फिर आपको इवेलुएशन इंक्लूडेड होते गया लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे पेपर टू प्रोग्राम की ये अपने आप में कोर्स नहीं है हम एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यानी राइटिंग स्किल को आपके अंदर एनहेंस करने की हमारी कोशिश होगी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यूनिक प्रोग्राम है अपने आप में तो मैं एक एक करके आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड की है और क्या क्या चीज़ें इसमें यूनिक हैं देखिए सबसे पहले पहली बार हम ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं विच इज uh, हम मतलब हमारे लिए ये पहली बार है वीडियो लेक्चर्स तो मिलती हैं जो चीज़ यूनिक होगी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा तो वीडियो लेक्चर्स हम लेके आ रहे हैं जो हमारे साइड से पहली बार होगी इससे पहले हम वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड नहीं करते थे तो हम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे लेकिन हमारी वीडियो लेक्चर्स हम तीन फेजेज़ में प्रोवाइड करेंगे पहला अप्रोच क्लासेज हम प्रोवाइड करेंगे एस से रिपोर्ट और कॉम्प्रिहेंशन और प्री की तो ये तो सभी लोग प्रोवाइड करते हैं नो डाउट अबाउट इट इसके बाद हम कंटेंट क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि थीम वाइज होगी हाँ यहाँ पर थीम वाइज भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करते हैं लेकिन अब हम बात कर लेते हैं यूनिक एस्पेक्ट्स की सबसे पहला यूनिक एस्पेक्ट जो अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो क्लासेस होगी वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर नहीं होगी हमारी क्लासेस पे हमारा मेन फोकस अप्रोच पे होगा यानी आपके स्किल डेवलपमेंट पे होगा फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक हम टॉपिक नक्सलिज्म करते हैं ठीक है तो नक्सलिज्म की हम आपको दो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे और दो लेक्चर्स में पहले लेक्चर पे बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होगी कि नक्सलिज्म नक्सलिज्म के रिगार्डिंग डाटा की स्टडी ये सारी चीज़ें उसके बाद हम उससे रिलेटेड कॉजेज हो गए थ्रेट्स हो गए गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो गए वे फॉरवर्ड हो गई कंक्लूजन हो गई यानी कंप्लीट आप अंडरस्टैंडिंग लें नक्सलिज्म टॉपिक है कैसे कहाँ से ओरिजिन हुआ क्या क्या कारण है इस कारण से और दूसरा जो लेक्चर होगा वो एक वैल्यू एडिशन लेक्चर होगा वहां पर हम टेम्पलेट्स आपको देंगे यानी हम रेडीमेड आपको चार पांच टेम्पलेट्स देंगे और वो टेम्पलेट्स को यूज किस तरह से किया जाता है कि किस तरह से किस किस प्रकार से क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्टली exactly नक्सलिज्म नहीं आने वाला है एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा लाइक रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कर्बिंग नक्सलिज्म तो आपको वो थीम एड्रेस करना आना चाहिए इस कारण से वो हम सिखाएंगे कि थीम एड्रेस होती किस प्रकार से तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम टेम्पलेट्स देंगे और उसको किस तरह से यूज़ करना है वो हम सिखाएंगे सेम मैनर में किस तरह से टॉपिक को डाइसेक्ट करते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे इसके अलावा हम डिफरेंट कोर्ट आपको देंगे तो कोर्ट को क्लास में डिस्कस 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 करेंगे करेंगे ये ये नहीं कि कि को 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 क्या करना है को ये करेंगे कि को हम यूज कैसे करेंगे यानी ये आएगा तो इसको यूज़ कर सकते हैं ये कोट आएगा तो इसको हम कहां यूज कर सकते हैं तो इस प्रकार की चीजें होंगी यानी कॉन्टेंट क्लासेस में हम थीम वाइज क्लासेस तो ले ही रहे हैं जहां पर अंडरस्टैंडिंग लेकिन हम इसमें वैल्यू एडिशन पर भी काम कर रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट यूनिक थिंग जो आपको बता रहा था कि अभी तक आप देखेंगे कोई भी अप्रोच पे ज्यादा काम नहीं करता उनका होता है कि नक्सलिज्म हो गई इंसर्जेंसी हो गई इसके अंडरस्टैंडिंग बट हम अंडरस्टैंडिंग तो देंगे बिकॉज नो डाउट मैंने आपको पहले ही बताया कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बट अंडरस्टैंडिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो इस कारण से अंडरस्टैंडिंग के बाद आपका वो वैल्यू एडिशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो दिस इज द फर्स्ट यूनिक एस्पेक्ट जो मैंने आपको बताया दूसरा यूनिक एस्पेक्ट अभी तक अगर आप देखेंगे तो थीम में हिस्ट्री और जोग्राफी थीम अभी तक पेपर टू में एग्जिस्ट नहीं करता था बट हम पहली बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भी थीम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यानी अभी तक आप क्या थीम देखते हैं अभी तक आप सिक्योरिटी देखते होंगे आई देखते होंगे वुमेन देखते होंगे सोशल इशूज देखते होंगे यानी सोशल जस्टिस होगी तो ये सारे वाले थीम देखते होंगे एन्वायरमेंट एग्रीकल्चर एजुकेशन ये सब बट हम पहली बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी थीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आ, ये इसलिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज आपने देखा होगा क्वेश्चंस थे तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चंस वहीं से आ जाएंगे हम लाइक like, हिस्ट्री के सेवन टू एट लेक्चर्स लेंगे जोग्राफी के सेवन टू एट लेक्चर्स लेंगे तो इसका मतलब क्योंकि पूछने का तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं आज उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूछा कल वो इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ पूछ लेंगे तो क्या हम हर टॉपिक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं नहीं लेकिन हमारा क्लास लेने का मकसद ये होगा कि जोग्राफी के हम सात आठ इशूज़ हिस्ट्री के सात आठ इशू जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम उस अप्रोच पर बात करेंगे कि जोग्राफी के जब टॉपिक्स आएंगे तो उसको किस तरह से डाइसेक्ट करना है उसको किस तरह से अप्रोच करना है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पाए तो आपके पास जो जी में नॉलेज है उसको आप पेपर टू में भी यूज कर पाएंगे तो दिस वॉज द सेकेंड मोस्ट यूनिक थिंग जो हम लेके आ रहे हैं बाकी देखिए हम करेंट इश्यूज की इसमें सेपरेट क्लासेस प्रोवाइड करेंगे यह भी चीज आपको आ, काफी सारे इंस्टीट्यूट मिल जाती है फिर हम वैल्यू एडिशन इसमें देंगे जो कि एक स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट होगा थर्ड जो यूनिक चीज हम लेके आ रहे हैं वो है मल्टी फैकल्टी कॉन्सेप्ट आप देखेंगे पेपर टू में अभी तक मल्टी फैकल्टी कॉन्सेप्ट नहीं था यानी अगर एक पेपर टू कोई भी क्लासेस ले रहे हैं तो वो एक पर्सन पूरे क्लासेस लेते थे हमारे में भी ये चीज़ पॉसिबल थी कि हम एक से करवा सकते हैं लेकिन इशू ये आता है कि आपको ही पता होगा कोई पर्सन अगर क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा अगर आप चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने सारे लेक्चर्स होने वाले हैं अराउंड हंड्रेड प्लस लेक्चर्स तो क्या एक पर्सन सिंगल पर्सन अगर वो सारी चीज़ें करेगा तो वो चीज़ जस्टिस हो पाएगी कंटेंट की क्वालिटी और ये सब में इस कारण से हम मल्टी फैकल्टी कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं अब इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम मल्टी में आपको कंफ्यूज कर देंगे कि एक टॉपिक कोई और पढ़ा रहा है एक टॉपिक कोई और पढ़ा रहा है बिल्कुल एक हमने यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि अप्रोच क्लासेस एक सिंगल पर्सन ले रहे होंगे सारे अप्रोच क्लासेस वो पर्सन लेगा उसके बाद कॉन्टेंट क्लासेस की जो थीम वाइज क्लासेस है वो एक सिंगल पर्सन सारे ही कॉन्टेंट क्लासेस लेगा और एक सिंगल पर्सन आपके जो है वो uh, करेंट इशूज़ और आंसर राइटिंग सेशन वाले लेंगे तो यानी कि एक पर्सन एक एस्पेक्ट के सारे क्लासेस लेगा ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए तो ये एक मल्टी कॉन्सेप्ट होगा और ये चीज़ मैं पहले आपने देखा होगा ये भी आप देखेंगे आप हमारे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं ये भी पहली बार हमने कॉन्सेप्ट लाया था टीम पोस्टर वाला 2023 में जब हम चीज़ें कर रहे थे तो अभी भी आप देखेंगे हमारे चैनल पे आपको शॉर्ट्स ये सब में चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पर हमने टीम पोस्टर आपको दिए थे जहाँ पर हमने बताया था कि हमारे साथ ये ये पर्सन वर्क करते हैं बट अब हमने इसे बंद कर दिया बिकॉज हमें बहुत सारे हमारे साथ अब सेलेक्टेड जो हैं वो वर्क कर रहे हैं तो वो चाहते थे कि वो चीज़ें थोड़ी सी अनोनमस रहे तो इस कारण से हमने उस चीज़ को स्टॉप कर दिया है तो यहाँ पर भी जो क्लासेस आपके लिए जाएंगे वो सलेक्टेड ए uh, के थ्रू ले जाएंगे और जो अप्रोच क्लासेस और ये सारी चीज़ें हैं वो जो मल्टीपल टाइम्स जिन्होंने क्लियर किया है तो वो ले रहे होंगे यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी आके रैंडम पर्सन आपको करवा रहा होगा ये चीज़ हम कभी नहीं करते हमारे साथ आज तक जो भी वर्क किए हैं उनके पास सी का बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है चार चार बार लोगों ने इंटरव्यू दिया है वो हमारे साथ वर्क करते हैं या सेलेक्टेड जो है वो ही वर्क कर रहे होते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें तो आप अगर देखेंगे भी डेमो लेक्चर सेसम में तो वो चीज़ें होंगी हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और अगर हम बात करें डेमो लेक्चर्स की बात करते हैं अभी तक आप देखते होंगे एक दो तीन डेमो लेक्चर्स दिए जाते हैं मैं आपको सात से आठ डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ ठीक है आपको सिर्फ ऐप पे जाना है हमारे इंटेडबुल अभिषेक ऐप पे और आपको सात से आठ डेमो लेक्चर्स मिलेंगे आप आराम से देख सकते हैं क्योंकि मुझे अपने कंटेंट पे भरोसा है मुझे अपनी क्वालिटी जो हम दे रहे हैं उस पर भरोसा है तो इस कारण से मैं सेवन टू एट लेक्चर्स या और होंगे तो दो चार और ऐप को देख दूंगा आप आराम से उन सारी सभी लेक्चर्स को देखें अगर आपको लगता है कि हाँ वो जेनविन है तो ही आप इस प्रोग्राम के साथ आगे जा सकते हैं इसके बाद हम स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग सेशन्स लेंगे जहाँ पर स्पेसिफिक क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए कैसे वो आंसर लिखना चाहिए आंसर फ्रेम करके वीडियो में ही दिखाएंगे कि इस तरह से इसे फ्रेम करना है तो ये हम सेशंस लेंगे ये चीज हो गई वीडियो लेक्चर्स की यहां पर भी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं लेकिन हम इसमें आपको पेपर टू के कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे यानी हम थीम वाइज और करंट इशूज के अलग से हम नोट्स प्रोवाइड सो so यहां पर हम आपको पेपर टू के कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे बट अगर हम बात करते हैं पेपर टू नोट्स की तो वो लास्ट में आपके लिए बल्कि हो जाती है अगर एक फाइल की एवरेज पेज लाइक फोर पेजेस भी हैं तो वो लास्ट में आपके फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड पेजेस हो जाती हैं तो इस कारण से हम वन पेजर का कॉन्सेप्ट भी लेके आए जहाँ पर हम वन पेजर नोट्स फॉर क्विक रिविजन प्रोवाइड करेंगे और पेपर टू की ई बुक हार्ड कॉपी हम प्रोवाइड नहीं करते पेपर टू की जो है वो ई e बुक हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे और इसके अलावा फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन और उसके मॉडल आंसर्स भी आपको देंगे ठीक है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन और मॉडल आंसर्स भी हम आपको इसमें देंगे अब कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अभी जान लेनी चाहिए वो हैं सबसे पहले ये सेशंस जो हैं वो स्पेशली रिकॉर्डेड सेशंस हैं ठीक है यानी कि हम इन सेशंस को रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे देंगे रीज़न बहुत सिंपल है लाइव करने के भी कर सकते थे पहले तो आपको कोई ओल्ड कंटेंट नहीं मिलेगा क्योंकि आपको ही पता होगा हम चीज़ें नहीं कर रहे थे आपको जो भी लेक्चर्स मिलेंगे वो आपके लेक्चर जो शेड्यूल्ड है उससे तीन से चार दिन पहले ही रिकॉर्डेड होंगे तो यानी पूरा आपको न्यू अपडेटेड कंटेंट ही देखने के लिए मिलेगा स्पेशली रिकॉर्डेड से हम इसलिए ये करना चाहते हैं बिकॉज उसमें हम ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाते हैं थोड़े कम टाइम पे और लाइव में बहुत सारी अननेसेसरी डिस्कशंस होती हैं तो उसे हम अवॉइड करना चाहते हैं तो एक चीज़ तो ये हो गई दूसरा कि इसमें हम ऐसे आर्गूमेंट रिपोर्ट कॉम्प्रीहेंशन एंड प्री से कवर कर रहे हैं अभी हमारा ग्रामर नहीं है ठीक है ग्रामर नहीं अगर हमें ग्रामर करना होगा तो वो हम कर देंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी उसके लिए हम कोई अलग से चार्जेस नहीं लेंगे लेकिन अभी हम इसमें ग्रामर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो दिस इज़ द एस्पेक्ट इसके बाद अभी अब इसमें इवेल्युएशन जो नहीं है अभी आप सेल्फ इवेल्युएशन इज एस्पेक्ट जो है वो इसमें इंक्लूडेड है तो इसमें मॉडल आंसर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे अब अगर हम बात कर लेते हैं नॉर्मल फी स्ट्रक्चर की जो आपको अभी तक देखने के लिए मिली होगी तो आपने देख लिया होगा कि एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम अभी तक पेपर टू का इस तरह का इतना डिटेल्ड में स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्रोग्राम देखने के लिए नहीं मिला होगा और अब हम बात कर लेते हैं फी की तो अगर आप नॉर्मल किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो जो आपको वीडियो लेक्चर्स और उनके हैंड आउट्स जिसमें करंट इशूज़ की भी क्लासेज इंक्लूडेड होती हैं और उनकी भी हैंड आउट्स होते हैं उसके लिए थ्री टू फोर आपसे चार्ज करते हैं इसके बाद पेपर टू अगर आप नोट्स लेते हैं किन्हीं का भी लें तो आपको अराउंड वन के देना होता है वन पेजर अगर आप लेते हैं तो उसके लिए फाइव टू एट आपको देना पड़ता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइक 60 प्रैक्टिस क्वेश्चंस या लास्ट में स्पेसिफिकली ये होते हैं एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की उनके मॉडल आंसर के साथ तो उसके लिए भी 500 हंड्रेड To 1, रुपीस जो है है वो देना होता पेपर e की बात करें तो टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड लिखा है मैंने, क्योंकि 500 के भी लेते हैं बट वो हार्ड कॉपी में होती है तो ई बुक फॉर्मेट में अगर हम देखते हैं तो टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड के आसपास आपको ये देखने के लिए मिलता है तो ओवरऑल अगर आप सारी ही चीजों को कंपाइल करते हैं तो आपको ये दिखेगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट अप्रोक्स अप्रोक्स आपसे सिक्स के के आसपास जो है वो पेपर टू के लिए चार्ज करते हैं इन सभी एस्पेक्ट के लिए ठीक है लेकिन अब एफोर्डेबिलिटी क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये चीज़ सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए ये एक मस्ट हैव कोर्स मैं बनाना चाहता हूं इस कारण से मैं ये नहीं चाहता कि एक एफोर्डिबिलिटी एक इशू स्टूडेंट्स के बीच हो तो हमने इस प्रोग्राम की जो फ़ी है वो अभी फोर के रखी है लेकिन अभी सिंस हम इंट्रोड्यूस करें तो ये जस्ट आपको थ्री थाउजेंड रुपीज़ में मिल जाएगी जिसमें सारे वीडियो लेक्चर्स सारे नोट्स यानी जो हमारा संपूर्ण प्रोग्राम है पेपर टू की संपूर्ण प्रोग्राम जिसमें हम पूरे नोट्स देते हैं एस से आर्गुमेंट रिपोर्ट की वो सारे नोट्स वन पेजर जितने भी होंगे हमारे वो सारे पेपर टू के क्वेश्चंस और उनके मॉडल आंसर्स पेपर टू ई बुक्स ये सारी चीजें अगर आप अभी लेते हैं तो थ्री थाउजेंड में है और नहीं तो आपकी नॉर्मल फी लाइक फोर थाउजेंड और थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास रहेगी ताकि मैं नहीं चाहता कि एक अफोर्डेबिलिटी इशू अगर आप पेपर टू संपूर्ण प्रोग्राम भी हमारा देखेंगे तो वो वन का है ठीक है तो हमने जस्ट आप वन के एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं तो उसमें सारे आपको वीडियो लेक्चर्स और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगे बट मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ ठीक है आप इस प्रोग्राम पर जाएं यह चीजें करें आप आराम से एक दो बार डेमो लेक्चर्स को देखें आ, मैं बहुत सारे आपको डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं किस तरह से हम वीडियो लेक्चर्स डिलीवर करें आप आराम से सारे ही डेमो लेक्चर्स को देखें समझें कि क्या आपको कंटेंट हम डिलीवर करें और क्या अभी तक आपको मिलता आया है और क्या हम किस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं उसके बाद आप ये कर सकते हैं तो एफोर्डेबिलिटी का इशू मैंने बिल्कुल रिजॉल्व करने की कोशिश की है अपनी साइड से ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए अब बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप ये चीज़ें कर सकते हैं तो इनक्रेडिबल अभिषेक आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे और वहां पर ये आपको ऐप मिल जाएगी और ऐप में अगर आप जाएंगे तो आपको ये कोर्स आपको अभी देखने के लिए मिल जाएगा तो मैं यही कहूंगा कि आराम से आप पहले डेमो लेक्चर्स को देखें अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आप इस प्रोग्राम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं बट मैं ये कह सकता हूं कि पेपर डू की वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं बिकॉज हमारा फोकस एक स्टेप बाई स्टेप पर है हम सबसे पहले इसमें अप्रोच क्लासेस कर रहे होंगे जहां पर हम सारे ही फोकस करेंगे कि एस से आर्गूमेंट फ्लू कैसे मेंटेन होता है फिलोसफिकल एस को किस तरह से टैकल करते हैं सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे उसके बाद हम कंटेंट की क्लासेज स्टार्ट करेंगे कंटेंट की क्लासेस में हम हाँ एक चीज और है कि जो एक वीक है वो एक वीक में आपको थ्री लेक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे ठीक है तो आराम आराम से आप हमारे साथ चीजें कर सकते हैं और इसमें कंटेंट क्लासेस मिलेंगी जो कि थीम वाइज होगी थीम वाइज में मैंने आपको बताया हमारा स्पेसिफिक फोकस अप्रोच पे है आपकी स्किल डेवलपमेंट में हमारा फोकस है ये नहीं कि सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं इसके बाद हम वैल्यू एडिशन की अलग से क्लासेस लेंगे करेंट इश्यूज की क्लासेज आपके साथ ली जाएंगी उसके अलावा कंप्लीट पेपर टू के नोट्स प्लस हमारी पेपर टू की ई e बुक जो है वो हम इसमें इंक्लूड करवा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे और मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करेंगे इसके साथ साथ हम आपके साथ आंसर राइटिंग सेशंस भी डिस्कस करेंगे जहां पर किस प्रकार से आपको आंसर्स लिखना चाहिए तो वो भी हम इसमें एस्पेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं तो आप देखेंगे ओवरऑल एक कंप्लीट होलिस्टिक प्रोग्राम आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा जहां पर हम सारी चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे तो ये प्रोग्राम अपने आप में एक वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है और मोस्ट यूनिक प्रोग्राम ये होने वाला है पेपर टू का ठीक है तो आई होप यू गट द क्लैरिटी अब मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक है थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे